यार एक छोटी सी और फिल्म हो गई है यार, जो मैंने क्वेटा में निकलते वक्त इंट्रो बनाया था ना, कि हेलो जी वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हो आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो वो डिलीट हो चुका है, तो अभी मैं दोबारा बना रहा हूँ। तो चलो आप वो थोड़ा सा क्लिप देख के आओ, फिर लगाते हैं गप। हाँ जी बिल्कुल, खबर आप यहाँ पे। यार मैंने टिकट लेना था और मेरे पास कैश पैसे नहीं थे, अभी आए हूँ चाचू जी के साथ एटीएम और पैसे निकलवाए। और मेरे साथ जो बहुत बड़ा स्कैम हुआ है आज, मैंने बुकिंग करवाई थी 4 बजे की, लेकिन मेरी टिकट है 6:30 बजे की। अभी मैं 2.5 घंटे स्टॉप पे बैठूंगा क्योंकि अंदर भी नहीं जा सकता, कार्ड मैंने वापस दे दिया। और आज आपके भाई का आखिरी दिन है क्वेटा में। बहुत हुआरी के बाद उसने ये नंबर दिया जी, 3500 का, बल्कि मुझे 4 बजे बुला लिया था यार इसने। इंतज़ार करते हैं वेटिंग एरिया में बैठ के। यार भाई सामान चेक करो जी, ले गए आ रहा है। मैं वापस जा रहा हूँ भाई, यही बहुत है मेरे लिए। उसने मुझे बोला था 3:30 बजे पहुँच जाना, 4 बजे निकल जाएगी। मैं 2 बजे उठा, छोटा सा काम था घर वालों का, वो किया है, और उसके बाद बस डायरेक्ट इधर आ गया हूँ। इधर आके पता चला फिल्म हो गई है ना, मैं मुंह धोते है ना, मैं शावर लेता है। 24 hours later फाइनली जी आपका भाई पहुँच चुका लाहौर। कल मैं निकला था 6 बजे क्वेटा से, बस करते 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 शुक्र है आज अभी रात को 12 बजे पहुँचो मैं लाहौर। बहुत सारा भूख लगी हुई है यार, और इधर कोई भी नहीं है, सारे गायब हैं। इधर के बॉयज़ सारे गायब हैं, पता नहीं किधर गए हुए हैं यार, मैं अकेले ही हूँ। भूख लगी हुई है बहुत सख्त किस्म की, अभी बस मैं खाना ऑर्डर करता हूँ और साथ में देखते हैं क्या कुछ चाय शाय पड़ी हुई है तो वो बना के पीते हैं। और समझ नहीं आ रहा क्या ऑर्डर करूँ यार, क्या ऑर्डर किया जाए यार। अच्छा डील कर लवा, समझ नहीं आ रही यार मैं क्या ऑर्डर करूँ यार। मेरा दिल कर रहा है मैं खुद जाऊँ, खुद ले के आऊँ, वारी वाला काम है। और बाहर सुकून है यार, अमन शांति है, जाना चाहिए मेरे ख्याल से, मुझे खुद ही इतना स्मोक शोक नहीं है। अब हुआ है यार मेरा ऑर्डर, यार देखते हैं कि होता कि नहीं होता। ओके हो गया बस। 20 minutes late यार अपना ऑर्डर आ चुका है, मैं ज़रा ऑर्डर पकड़ के लाया जल्दी जल्दी। भाई साहब आपके भाई के KFC के चावल आ गए हैं, चेक करते हैं यार, मज़ा ना आया ना तो रो लें यार। बहुत जालिम चावल हैं यार, बहुत स्पाइसी और बहुत जालिम किस्म के। KFC के चावलों को 10 out of 5 पता है मैं किस वजह से दे रहा हूँ उनको। ये जो चावल है ना छोटे छोटे, ये जो टोटा चावल है नॉर्मल वाले, मतलब के ना अच्छे ना ख़राब, दरमियान वाले, वो बोले चावल हैं इस वजह से। बाकी मैं फूड ब्लॉगर तो हूँ नहीं जो मैं इनको रिव्यू दूँ, बाकी मुझे भूख लगी हुई थी और जो चीज़ मिल जाए। यार खाना शाना खा लिया, दिल कर रहा था चाय बना के पीऊँ, लेकिन यार बैड सीन ये है कि गैस नहीं आ रही, क्या करूँ मैं, गैस बंद ना हो पीछे से। चलो इसमें देखते हैं, बल्कि इसमें बना लेते हैं ना, बस थोड़ा सा दूर था यार, मैंने चाय बना ली, बस गुजारे ही है, बड़ी काली सी चाय बनी है, कोई नहीं सुबह आएगा फिर बना के पी लेंगे। बाकी यार आज का व्लॉग हम यही ख़त्म करते हैं, मुझे बड़ी सख्त नींद आई हुई है, सुबह एडिट करूँगा और सुबह ही अपलोड इंशाल्लाह कर दूँगा। बाकी तब तक के लिए आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थैंक यू सो मच। अभी बस व्लॉग गठे आना शुरू हो रहे हैं स्लोली स्लोली।